बताता हूँ कि 7 जून 2015 को कसरवल कांड में मछुआरे अपना हिस्सा मांगने गए थे, तो उस समय जब गोली वो अत्याचार जो हुआ था वो आखिर किसकी सरकार में हुई थी? तब मछुआरे नहीं थे हम लोग? आज के दिन में हम कह रहे हैं इतने हैं कि अपने शासन काल में मछुआ समुदाय पर हुआ अत्याचार, उसके लिए वो चिंता करें तो शायद उसका परिणाम होगा। मछुआ समुदाय अपने विकास के लिए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर पहली बार है केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग कराया, मछुआरों के बीमा के लिए, उनके विकास के लिए, व्यवसाय के लिए जो है पहली बार सब्सिडी योजना में 20,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में आया। उसके लिए आज के दिन उत्तर प्रदेश में निषाद राज बोट योजना है मछुआरों को जो है हाईटेक बोट देने की, उनको जैकेट देने की, उनके बच्चों को सुरक्षा देने की। आज के दिन में मछुआरों से अंग्रेजों ने जो नीति बनाई थी कि मछुआरे जो है पट्टा लेंगे, कमाएंगे और सरकार को चुकाएंगे, जो छोटा थोड़ा बचा था आधे पेट खाएंगे, आधा पेट खा के कैसे जिंदा रहेंगे, इसके लिए इस नीति को बदलते हुए हमारी सरकार ने अभी मुख्यमंत्री कल्याण मुख्यमंत्री संपदा योजना में जितने पट्टे धारक हैं उन्हें हम अनुदान देंगे। आज के दिन में इनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, इनको शिक्षित करने के लिए, विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है, उसमें हम जो है आज के दिन में मछुआ कल्याण कोष। आप इतना कर रहे हैं, आप इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं मछुआरों के लिए, मछुआ समाज के लिए, लेकिन इसी मछुआ समाज पर अखिलेश यादव की नजर है। वो कह रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई उनका पक्ष तो सुनिए। अब यही ऐसी नाव हमने चलाने के लिए कहा था रिवर फ्रंट में, गोमती रिवर फ्रंट में, उसको तो रोक दिया, उसको क्यों रोका? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों के समय से ही कानून बनाकर उजाड़ा गया है। केंद्र में सरकार बसपा कांग्रेस की थी, उसने इनकी आरक्षण की फाइल कराई। कब गायब कराई? जब इनके सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार चल रही थी, 30 सालों तक सपा बसपा की सरकार रही, तो मछुआरे नहीं याद आए, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया, उनके हितों के लिए, विकास के लिए कोई इनके पास कलम में ताकत नहीं थी। आज इनकी चिंता छोड़, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जब टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिज्म से लोग आएंगे तो नदियों में जाएंगे और नदियों में हमारे लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। आज हम हाईटेक नाव देंगे तो नाव की संख्या बढ़ेगी आज के दिन में। आज देख लीजिए क्या दशा है गांव के मछुआरों को, नदियों के किनारे रहने वालों को। इन लोगों ने 70 साल तक कभी चिंता नहीं की, कभी इनके लिए सोचा भी नहीं था कि आप पहले इनके लोग नेता थे तो पिछली सीट पर बैठते थे। आज कम से कम निषाद मछुआ समुदाय जाग गया है, निषाद पार्टी का गठन किया है विधानसभा में, विधान और विधान परिषद में अपनी सीट पर बैठकर उनका नेता डॉक्टर संजय वकालत करता है। हम अपने समुदाय की वकालत के लिए सीधे विधानसभा में गए हैं और विधान परिषद में गए, लोकसभा में गए। ठीक है संजय निषाद जी, बिल्कुल संजय निषाद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए।